Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. My dear students and viewers, so in today's session we are going to learn unit number 4, class 11th English textbook series unit number 4.2, the rising of the moon. ये जो drama है ये आज हम learn करेंगे. So this is the lengthy one, so that's why I have divided this drama into two parts. So लेट्स लर्न द पार्ट वन टूडे एंड पार्ट टू का लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द पार्ट 4.1. सो 4.1 जो है दैट इज रिलेटेड विथ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा, यू विल गेट ऑल द वीडियोज इन द प्ले लिस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून. एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल मोटिवेट अस टू अपलोड दी एंड टू मेक दी अदर वीडियोस. सो इससे हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इट मीन्स कि आप सपोर्ट कर रहे हो. एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स का जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमारे चैनल पर. सो क्लास 11 का स्टूडेंट्स जो है एंड जो मेरे व्यूवर्स है, सो आई रियली अप्रिशिएट यूर लव एंड सपोर्ट. इसी तरह से आपका प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा. सो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद नया लेक्चर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो आज हम शुरुआत करते हैं 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून. लेट्स लर्न विथ इंग्लिश एंड हिंदी. सो दिस इज लेडी ग्रेगरी. ये जो आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ लेडी ग्रेगरी. इनका रियल नेम था इजाबेला अगस्टा पर्सी एंड शी वॉज बॉर्न इन काउंटी गाल्वे आयरलैंड. उनका जन्म कहाँ का था? आयरलैंड का था. देन वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट्स बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एबे थिएटर इन डबलिन. जो एबे थिएटर है डबलिन का, उसको बनाने में सबसे ज्यादा जो बड़ा योगदान है ये इनका था. शी वॉज अ प्ले राइट ऑफ ग्रेट टेक्निकल स्किल. उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामाज लिखे हैं. एट द इंस्टेंस ऑफ हर फ्रेंड एंड स्पॉन्सर विलियम बटलर रीड्स हु एनकरेज हर टू स्टडी द ओल्ड हिस्ट्री एंड फोलकलोर ऑफ आयरलैंड, लेडी ग्रेगरी हैज स्पेशली मास्टर्ड द वन एक्ट फॉर्म. विलियम बटलर रीड्स जो उनके फ्रेंड थे, उनके सुझाव के बाद उन्होंने जो ओल्ड हिस्ट्री है वो पढ़ी, उसके बाद जो फोलकलोर ऑफ आयरलैंड है वो पढ़ा एंड देन उन्होंने वन एक्ट फॉर्म में मास्टरी ली. एंड देन उन्होंने कितने वन एक्ट प्लेस लिखे? 30. सो उससे स्प्रेडिंग द न्यूज़ एंड द राइजिंग ऑफ द मून, दीज आर द बेस्ट नोन. सो द राइजिंग ऑफ द मून ये एक उनका वेल नोन ड्रामा है. एंड द राइजिंग ऑफ द मून रिवील्स बोथ ग्रेट चार्म एंड स्किल ऑफ ड्रामेटिक इमेजिनेशन एंड अ क्लोजली ऑब्जर्व आयरिश कैरेक्टर. द प्ले चार्म मेनली रेस्ट ऑन द सस्टेनिंग पैशन ऑफ आयरिश नेशनलिज्म. सो स्टूडेंट्स, इसमें कैसा है कि इस ड्रामा में एक सर्जेंट है और एक भागा हुआ कैदी है. सो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं. द स्टोरी इज विद देम ओनली. उसके बाद जो भागा हुआ ये कैदी है वो आयरिश नेशनलिज्म यानी कि आयरिश का जो फ्रीडम का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है. और दैट टाइम जो ब्रिटिश हैं वो क्या करते थे कि जो भी ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनको वो पकड़ते थे और जेल में डालते थे. उसी तरह से ये एक भागा हुआ कैदी है. द टाइटल विच इज टेकन फ्रॉम द बलार्ड ऑन शॉन ओ फेरेल इज अ सिंबल ऑफ द आयरिश अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये जो नाम लिया है, ठीक है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी, सो ये कहाँ से लिया है? दैट इज द राइजिंग ऑफ द मून. ये शॉन ओ फेरेल इनका जो एक बलाड है, ठीक है, सो उसका उसमें से उन्होंने ये सिंबल लिया है, सिंबल ऑफ द आयरिश अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशों के खिलाफ जो आयरिश लोगों का फ्रीडम फाइट चल रहा था. दिस इज रिलेटेड विथ लेडी ग्रेगरीज केयरफुल स्टडी ऑफ द आयरिश कैरेक्टर, हर स्किलफुल डिलाइनिएशन ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड हर परफेक्ट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन एक्ट प्लेज ग्रेट चार्म एंड पॉपुलैरिटी.
सो उन्होंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, हर एक कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही सिंपल वे से हमको बताया है, इसकी वजह से लोगों को वो पसंद आया और इसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गया। सो दिस इज अबाउट वी लर्नड लेडी ग्रेगरी, जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है, ठीक है। सो द राइजिंग ऑफ द मून, इसमें अभी सीन हम क्या पढ़ेंगे, अभी सीन यानी जो दृश्य है, साइड ऑफ अ क्वे इन अ सी पोर्ट टाउन, सम पोस्ट एंड चेन्स, अ लार्ज बैरल, एंटर थ्री पोलिसमैन, मूनलाइट। अभी देखिए यहाँ पर मूनलाइट, ये समय कौन सा है, मूनलाइट का, यानी कि रात के 12 बजे के बाद का समय है। साइड ऑफ अ क्वे इन अ सी पोर्ट टाउन, तो यहाँ पर समुन्दर किनारे एक गांव है, ठीक है, वहां पर जहाँ पर क्वे यानी कि क्या, जहाँ पर जो बोट्स है, ठीक है, वो जहाँ पर खड़ी होती है एक जगह पर, उनका जो एक पोर्ट रहता है, तो ये सी पोर्ट टाउन है। सम पोस्ट एंड चेन्स, अ लार्ज बैरल, वहां पर क्या 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 रखा हुआ है, सम पोस्ट एंड चेन्स, बड़े बड़े खंबे हैं, उसके बाद चेन्स है, एंड और एक बड़ा बैरल है वहां पर, ठीक है, पानी का जो बैरल रहता है। एंड वहां पर मूनलाइट का समय है, एंटर थ्री पुलिसमैन, और तीन पुलिस वाले वहां पर एंटर करते हैं। सर्जन हु इज ओल्डर देन द अदर्स क्रॉसेस द स्टेज टू राइट एंड लुक्स डाउन स्टेप्स। अभी यहाँ पर देखिए कि सर्जन का मीनिंग क्या है। सर्जन यानी कि वो जो पुलिस ऑफिसर का एक रोल प्ले कर रहा है, ही इज ऑल्सो द पुलिस ऑफिसर। सो पहले मैं आपको क्वे का मीनिंग बताती हूँ, QUAY, अ स्टोन और मेटल प्लेटफॉर्म लाइंग अलॉन्ग साइड और प्रेजेंटिंग इन टू वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ships, यानी जहाँ पर ships को जहाँ से ships को लोड और अनलोड किया जाता है। अभी यह सर्जेंट का मीनिंग क्या है, अ पुलिस ऑफिसर रैंकिंग अबव कॉन्स्टेबल बट बिलो एन इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर जो होता है उसके हाथ का उसके हाथ के नीचे जो काम करने वाला पुलिस ऑफिसर है वो है सर्जेंट। ही क्रॉसेज द स्टेज टू राइट, अभी स्टेज पर यह ड्रामा चल रहा है तो वो राइट साइड पे वहां पे आ गया, एंड लुक्स डाउन स्टेप्स, और वो नीचे की तरफ देख रहा है। द अदर्स पुट डाउन अ पासपोर्ट एंड अनरोल अ बंडल ऑफ प्लाकार्ड्स। अभी यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पर सर्जेंट का एक ये दिया है कि हु इज ओल्डर देन द अदर्स, कि वो एज से सबसे बड़ा है, एंड वो राइट साइड में आ जाता है स्टेज पर, उसके बाद वो स्टेप्स की तरह देखता है, और बाकी के दो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, पुट डाउन अ पेस्ट पॉट एंड अनरोल अ बंडल ऑफ प्लाकार्ड्स, कि उन्होंने जो प्लाकार्ड्स का मतलब है कि जो एक एडवर्टीजमेंट है, यानी कि जो जेल से भागा हुआ कैदी है उसकी इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड वो जो एक व्हाट वी सेड कि पैम्पलेट की तरह जो कागज है, तो उन्होंने पेस्ट पॉट जो है जहाँ पर उस जो गम हम लगाते हैं चिपकाने के लिए, तो वो उन्होंने रखा और उन्होंने उनका काम स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, पोलिसमैन बी क्या बोलता है, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस, ही पॉइंट्स टू बैरल, जो बी वाला पोलिसमैन है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बैरल पे हम ये जो नोटिस है इसको लगा सकते हैं, ये अच्छी जगह है। देन पोलिसमैन एक्स बोलता है, बेटर आस्क हिम, कॉल्स टू सर्जन, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लाकार्ड, नो आंसर, बेटर आस्क हिम। एक्स वाला पुलिस ऑफिसर बी वाले को बोलता है कि हम किसको पूछें, सर्जन को पूछते हैं, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लाकार्ड, क्या हम यहाँ पर ये प्लाकार्ड पोस्ट कर सकते हैं, नो आंसर, उस पर सर्जन का कुछ जवाब नहीं आता। अभी देखिए यहाँ पर मीनिंग मैंने आपको जो बताया पहले, इसको आपके या फिर कीपर की ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर दीजिए सर्जेंट, एंड ये जो प्लाकार्ड रहता है, प्लाकार्ड यानी कि अ साइन फॉर पब्लिक डिस्प्ले इधर पोस्टेड ऑन द वॉल और कैरेट ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जो हाथ पर जो व्हाट वी सेड कि न्यूज़पेपर में जो एड्स वगैरह आते हैं, राइट, पैम्पलेट्स जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो उसको प्लाकार्ड कहते हैं इंग्लिश में। अभी पोलिसमैन बी क्या कहता है, विल वी पुट अप अ नोटिस हियर ऑन द बैरल, नो आंसर,
वापस से अभी एक्स ने पुलिस एक्स ने पूछा सर्जन को, कुछ जवाब नहीं दिया उसने। अभी पुलिसमैन बी पूछ रहा है क्या हम यहाँ पर ये नोटिस लगा सकते हैं क्या बैरल पे, फिर भी कुछ जवाब नहीं आया। अभी सर्जेंट क्या बोलता है देखिए, देयर इज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हियर दैट लीड्स टू द वॉटर। वो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो स्टेप्स है ठीक है, तो ये स्टेप्स है वो नीचे पानी तक जाते हैं। दिस इज अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल, और ये जो जगह है यहाँ पर हमें अच्छी तरह से निगरानी रखनी होगी। इफ यू गॉट डाउन हियर, अगर वो कैदी यहाँ पर आ जाता है, हिज फ्रेंड्स माइट हैव अ बोट टू मीट हिम, तो उसके दोस्त उसको लेने के लिए आने की संभावना है। दे माइट सेंड इट इन हियर फ्रॉम आउटसाइड, और उसके दोस्त क्या कर सकते हैं कि उसके लिए बाहर से भी बोट भेज सकते हैं, तो हमको यहाँ पर खड़े रह के निगरानी करनी पड़ेगी। अभी पुलिसमैन बी बोलता है, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप। वापस से वही सवाल कि क्या हम बैरल पे वो नोटिस पुट अप करें। देन सर्जेंट बोलता है, इट माइट, यू कैन पुट इट देयर, दे पैच द नोटिस अप। उसके बाद सर्जेंट बोलता है ठीक है, आप वहां पर लगा सकते हैं, और उसके बाद वो जो पॉलिसमैन एक्स और बी है वो बैरल पे वो नोटिस चिपका देते हैं। सर्जेंट, अभी सर्जेंट क्या करता है, रीडिंग इट, वो पढ़ रहा है। डार्क हेयर डार्क आईज, अभी वो जो जेल से भागा हुआ कैदी है तो उसका जो एक पूरा वो कैसा दिखता है कैसे नहीं, उसके बारे में जो डिटेल्स है, डार्क हेयर डार्क आईज यानी कि उसके बाल डार्क है, काले काले बाल है, काले काले उसके आंखें हैं, स्मूथ फेस है, उसका चेहरा एकदम स्मूथ है। हाइट 5 फीट 5, उसकी 5.5 हाइट है। देयर इज नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट, और वो कहते हैं कि इसमें और कुछ बताने जैसा तो नहीं है, यानी कि इससे और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है। इट्स अ पिटी आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ गोल सॉरी गेओल। सो यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि ये बहुत दुख की बात है, इट्स अ पिटी यानी कि बहुत दुखद बात है कि उस कैदी को मैंने जेल से भाग जाने से पहले देखा नहीं। दे से ही इज अ वंडर दैट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी के जो दो पुलिस वाले हैं वो सॉरी, दे से ही इज अ वंडर दैट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। अभी वो जेल तोड़ के तो भाग गया, तभी मैंने उसको देखा नहीं। अभी लोग बोलते हैं कि वो जो इंसान है वो एक वंडर है, वो एक अद्भुत पर्सन है, और सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ्रीडम फाइट कर रहा है, तो उसका जो सभी पूरा काम है वो अकेला करता है। देयर इजंट अनादर मैन इन आयरलैंड वुड हैव ब्रोकन गैवल द वे ही डिड, और आयरलैंड में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है उसके जैसा कि जिसने अभी तक जेल तोड़ा है। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमंग द गैवलियर्स। सो वो बोलता है कि हाँ, कि उसके साथ बाकी के भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने उसको मदद की है लाइक दिस। सो यहाँ पर देखिए, गैल या का मतलब होता है जेल या फिर जेल खाना, ठीक है। पुलिसमैन बी बोलता है, 100 pounds इज लिटल इनफ फॉर दी गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम, कि गवर्नमेंट ने उसको पकड़ने के लिए कितनी रकम बोली है, 100 pounds, ये थोड़ी कम है। यू मे बी श्योर एनी मैन इन द फोर्स दैट टैक्स हिम विल गेट प्रमोशन। क्या आपको लगता है, पुलिसमैन बी बोलता है कि अगर किसी ने उसको पकड़ा तो क्या वो कोई पुलिस ऑफिसर कि उस क्या उसको प्रमोशन मिल सकता है। उसके बाद सर्जन कहता है, आई विल माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ, आई वुड नॉट वंडर एट ऑल इफ ही केम दिस वे। अभी उस पर सर्जन का कहना है कि आई विल माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मैं यहाँ पर खुद ध्यान रखूंगा। आई वुडंट वंडर एट ऑल इफ ही केम दिस वे, मुझको कोई तज्जुब नहीं होगा अगर वो यहाँ पर आता है। ही माइट कम स्लीपिंग अलोंग देयर, पॉइंट्स टू साइड ऑफ क्वी, एंड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देयर, पॉइंट्स डाउन स्टेप्स। अभी उन्होंने क्या किया कि जो क्वी है जहाँ पर बोट वगैरह खड़ी होती है वहाँ पर अपनी या वहाँ पर वो इशारा करके बता रहे हैं कि ही माइट कम स्लीपिंग अलोंग देयर, यहाँ पर वो आके सो सकता है। एंड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देयर, और दूसरी जगह जहाँ पर स्टेप्स है वहाँ पर वो इशारा करके बताता है कि उसके फ्रेंड्स यहाँ पर सो सकते हैं। एंड वंस ही गॉट अवे इट्स अ लिटल चांस वी वुड हैव ऑफ फाइंडिंग हिम,
और अगर वो यहाँ से निकल भी जाता है तो हमारे लिए थोड़ा बहुत तो चांस है, हम उसको पकड़ लेंगे। इट्स मे बी अंडर अ लोड ऑफ केल्प, ही वुड बी इन अ फिशिंग बोट एंड नॉट वन टू हेल्प अ मैरिड मैन दैट वॉन्ट्स इट टू द रिवॉर्ड। अभी देखिए कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर वो हमारे हाथ से निकल भी जाता है तो बाद में वो मिल उसका मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। एंड उसके बाद ही वो जो सर्जेंट है वो कह रहा है कि जो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी जो नाव है तो वो समुन्दर से आती है, तो वहाँ पर जो मछलियाँ जहाँ पर पकड़ी जाती है तो वहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं तो शायद वो वहाँ पर भी छुपके बैठ बैठ सकता है। और कोई अगर एक ऐसा मैरिड मैन है, यानी कि जो मछुआरा का काम कर रहा है मछुआर, तो वो क्या कर सकता है कि इनाम के लालच में वो हमको उसको पकड़ के दे भी सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज सर्जेंट इज सेइंग। सर्जेंट ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा करके भी हम उसको पकड़ सकते हैं, वैसा करके भी हम उसको पकड़ सकते हैं। लाइक दिस, केल्प का मतलब होता है लार्ज ब्राउन सी वीड विथ लॉन्ग टफ स्टाल्क, यानी कि समुन्दर के किनारे पे जो बहने वाली एक ब्राउन कलर की जो एक वनस्पति है वो। पॉलिसमैन एक्स अभी बात कर रहा है, एंड इफ यू गेट हिम इटसेल्फ नथिंग बट अब्यूज ऑन आर हेड्स फॉर इट फ्रॉम द पीपल एंड मे बी फ्रॉम आर ओन रिलेशंस। पॉलिसमैन बी बोल रहा है अगर हमने उसको पकड़ा तो लोगों की जो गालियां हैं, अब्यूज यानी कि जो एक बैड ब्लेसिंग्स हैं वो तो हमको मिलेगी, और शायद उसके जो रिलेटिव्स हैं उनकी भी हमें बहुत सारी बातें, ऐसी हमारे बारे में बहुत सारी बातें वो बोलेंगे। उसके बाद सर्जेंट कहता है वेल ठीक है, वी हैव टू डू आर ड्यूटी इन द फोर्स। हम फोर्स में हैं तो हमको तो अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। हैव नॉट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद बोलता है सर्जेंट बोल रहा है कि पूरा जो देश है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम पे तो डिपेंडेंट नहीं है। इट इज दोज दैट आर डाउन वुड बी अप एंड दोज दैट आर अप वुड बी डाउन इफ इट वॉजेंट फॉर अस। तो वो कहता है कि अगर हम नहीं होते तो जो आज हमारे कैद में है वो बाहर घूम रहे होते, और जो बाहर घूम रहे हैं वो कैद में होते। तो चलिए हम हमारा काम करते हैं। वेल हरी ऑन, यू हैव प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू प्लग कर इट एंड कम बैक हियर देन टू मी। तो पुलिस वाला सर्जेंट उनको एडवाइस देता है कि चलिए टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी ये जो प्लकर चिपकाने का काम है फिनिश करो और आ जाओ। यू कैन टेक द लैंटर्न। लैंटर्न यानी कि जो हम ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में कि यानी कि रात के टाइम पे जो लैंप रहता है छोटा वाला हाथ में लेके घूमते हैं वो। सो वो बोलता है कि ये लैंटर्न लेके जाओ। डोंट बी टू लॉन्ग नाउ, और ज्यादा समय मत बर्बाद करो। इट इज वेरी लोनसम हियर विथ नथिंग बट द मून। यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ अभी यहाँ पर सिर्फ कौन है, मून यानी कि आकाश में जो चांद है वही मेरे साथ है, इस तरह से सर्जेंट ने यहाँ पर बोला। सो गैओल या फिर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं जेल। कैल्प का मतलब है लार्ज ब्राउन सीवीड दैट टिपिकली हैज लॉन्ग टफ स्टाक, एंड लोनसम का मतलब होता है लोनली, अकेला विदाउट एनी कंपनी। ये मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं। पुलिसमैन बी कहता है इट्स अ पिटी वी कांट स्टॉप विथ यू। हमें बहुत दुख है कि हम आपके साथ नहीं ठहर रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड हैव ब्रॉट मोर पुलिस इनटू द टाउन। गवर्नमेंट ने, सरकार ने और ज्यादा पुलिस हमारे टाउन में भेजने चाहिए। विथ हिम इन गेल, या फिर आप इसको जेल ही बोल सकते हैं, विथ हिम इन जेल एंड एट असाइज टाइम टू वेल गुड लक टू योर वॉच। और वो उनको बोलते हैं कि ठीक है आपको गुड लक, आप यहाँ पर खड़े रहिए। दे गो आउट, और वो जो दो पुलिस वाले होते हैं वो निकल जाते हैं। सार्जेंट अभी क्या करता है देखिए, वॉक्स अप एंड डाउन वंस और ट्वाइस एंड लुक एट प्लाकार्ड। यहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यहाँ से वहाँ वो घूम रहा है, उसके बाद वो प्लाकार्ड को देख रहा है। 100 pounds एंड प्रमोशन श्योर, वो बोल रहा है कि यस 100 pounds तो मेरे हैं और प्रमोशन भी मुझे ही मिलेगा। देयर मस्ट बी अ ग्रेट डील ऑफ स्पेंडिंग इन 100 pounds, और वो अभी सोच रहा है कि 100 pounds में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इट्स अ पिटी सम ऑनेस्ट मैन नॉट टू बी द बेटर ऑफ दैट। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है कि ये एक बहुत ही दुखद दुख दुख की बात है कि अगर कोई लॉयल यानी कि जो एक लॉयल बंदा है उसको भी ऐसी कठिनाई पर मात करनी पड़े। रैग मैन अपियर्स एट लेफ्ट एंड ट्राइज टू स्लिप पास्ट।
सर्जेंट सडनली टर्न्स। उसके बाद एक रैग यानी कि फटे हुए कपड़े पहनकर एक आदमी वहां पर आ रहा है, और वो जब आगे निकल जाता है तब वो सार्जेंट उसको सडनली पीछे मुड़ के देखता है। वो बोलता है, सार्जेंट उसको बोलता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो? और वो जो इंसान है वो बोलता है, आई एम अ पुअर बलाट सिंगर योर ऑनर, कि पुलिस साहब मैं तो एक गरीब बैलेट गायक हूँ, यानी कि जो गाने वगैरह बोलते हैं। आई थॉट टू सेल सम ऑफ दिस होल्ड्स आउट बंडल ऑफ बैलेट्स टू द सेलर्स, ही गोज ऑन। और वो सम कुछ गाने के जो बंडल्स है उसके हाथ में देता है और बोलता है कि मैं कुछ जो है सेलर यानी कि बोट जो चलाने वाला है उसको बेचूंगा, एंड इस तरह से मेरा गुजारा होता है। उसके बाद सर्जेंट कहता है, स्टॉप, रुक जाओ, डिड नॉट आई टेल यू टू स्टॉप, मैंने तुमको बोलने खड़े रहने के लिए बोला है ना, यू कांट गो ऑन देयर, तो फिर भी तुम आगे कैसे जा रहे हो? इंसान मैन बोलता है, ओ वेरी वेल, ठीक है, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी पुअर, गरीब इंसान के लिए बहुत ही कठिन बात है, ऑल द वर्ल्ड अगेंस्ट द पुअर। और वो बोलता है कि पूरी दुनिया ही गरीबों के अगेंस्ट है। तो उसके बाद सार्जेंट कहता है, हु आर यू, तुम कौन हो? तो वो इंसान कहता है, मैन, यू वुड बी एज वाइज एज माई सेल्फ इफ आई टोल्ड यू, बट आई डोंट माइंड। उसके बाद वो कहता है कि मैं कौन हूँ अगर मैंने ये आपको बताया तो आप भी मेरे जितने ही होशियार हो जाएंगे, लेकिन ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छी एक लाइन इसने यहाँ पर यूज की है। सो यहाँ पर थोड़ा उसका जो हम बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपको यहाँ पर पता चल रहा है। आई एम वन जिमी वॉल्श बैलेट सिंगर। अभी वो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं एक बैलेट सिंगर हूँ, मेरा नाम है जिमी वॉल्श। उसके बाद सर्जन कहता है, जिमी वॉल्श, आई डोंट नो दैट नेम, मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद वो मैन वो इंसान कहता है, आ श्योर दे नो इट वेल इनफ इन एनिस, वेर यू एवर इन एनिस सर्जेंट? उसके बाद जो वो बंदा है वो क्या होता है कि एनिस में तो सबको मेरा नाम पता है, लेकिन आप एनिस में थे क्या? उसके बाद सर्जन कहता है, व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो इंसान कहता है, श्योर इट्स टू द साइजेस आई केम, थिंकिंग आई माइट मेक अ फ्यू शिलिंग्स हियर और देयर, इट इज इन द वन ट्रेन विद द जजेस आई केम। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि थोड़े बहुत मेरे जो गाने हैं वो बेचकर मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ, और जो एक जज साहब आ रहे थे उनके ही गाड़ी से मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया, अभी मैं यहाँ से बोर्ड से आगे निकल जाऊंगा। उसके बाद सार्जेंट कहता है, वेल इफ यू केम सो फार यू मे एज वेल गो फादर, फॉर यू विल वॉक आउट ऑफ दिस। अगर तुम इतनी दूर से आए हो तो तुम क्या करो कि तुम यहाँ से वापस यहाँ से आप निकल जाओ, ठीक है? तो वो कहता है कि तुम इधर से निकल जाओ, एंड वो इंसान कहता है, आई विल जस्ट गो ऑन वेयर आई वॉज गोइंग, यस यस मैं निकल जाता हूँ, गोज टूवर्ड स्टेप्स, और वो आगे निकल जाता है। सजन कहता है, कम बैक फ्रॉम दो स्टेप्स, सो वो स्टेप से पीछे आ जाओ, नो वन हैज़ लीव टू पास डाउन देम टू नाइट, यहाँ से आज रात कोई भी आगे नहीं जाएगा। अभी एसाइज का मीनिंग क्या है, द कोर्ट विच सैट एट इंटरवल्स इन ईच कंट्री ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स टू एडमिनिस्टर द सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमको वर्ड बताया गया है असाइज, या तो इसका मीनिंग क्या है। सो असाइज का मीनिंग है अ कोर्ट, कि एक ऐसा कोर्ट, ठीक है, जो जगह जगह पर यानी कि घूमता हुआ फिरता हुआ कोर्ट, जो जगह पर ही लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो वो इंसान कहता है, आई विल जस्ट सीट ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप्स टिल आई सी विल सम सेलर बाय अ बैलेट ऑफ मी दैट वुड गिव मी माई सपर। तो वो बोलता है कि मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ स्टेप्स पे, अगर कोई सेलर मेरे से ये बैलेट मेरे जो सॉन्ग्स है वो ले लेगा तो वैसे उतने ही थोड़े बहुत पैसे मेरे पास आ जाएंगे। दे डू बी लेट गोइंग बैक टू द शिप्स, और उसके बाद में वो जब चले जाएंगे तो यहाँ से निकल जाऊंगा। इट इज ऑफन आई सॉ देम इन कॉर्क कैरिड डाउन द क्वी इन अ हैंड कार्ट। तो यहाँ पर देखो वो इंसान कह रहा है कि यहाँ पर मैं तो मेरे काम के लिए ही आया हूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि अगर कोई आता है सेलर, तो अगर उसने उसको अगर लेना है मेरा गाना तो वो ले लेगा, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इस तरह से वो कहता है,
एंड उसके बाद सर्जेंट बोलता है मूव ऑन आई टेल यू, यहाँ पर आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आई वॉन्ट हैव एनी वन लिंगरिंग अबाउट द क्वी टू नाइट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज कोई आएगा। तो उसके बाद वो इंसान कहता है वेल आई विल गो, ठीक है मैं जाता हूँ। इट इज़ द पुअर हैव द हार्ड लाइफ, गरीबों की जिंदगी ही बहुत परेशानी की होती है, मे बी योर सेल्फ माइट लाइक वन। और वो कहता है शायद तुमको भी पता होता गरीब की जिंदगी कैसी रहती है सर्जन, हियर इज अ गुड शीट नाउ, तुम अभी अच्छी यानी कि अच्छे पोस्ट में हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। टर्न्स वन ओवर कॉन्टेंट एंड अ पाइप दैट्स नॉट मच, द पीलर एंड द गोट यू वुडंट लाइक दैट, जॉनी हार्ट दैट्स अ लवली सॉन्ग। अभी देखो ऐसे ही बात करते करते वो क्या कर रहा है, उसका गाना जो है वो उसको सुना रहा है कि वो बोल रहा है ठीक है गरीबों की जिंदगी ही बहुत परेशानी की होती है। और यहाँ पर वो कहता है कि रॉस यानी कि अभी वो उसको एक गाना सुना रहा है, कंटेंट एंड अ पाइप ये कुछ खास नहीं है, द पीलर एंड द गोट ये तुमको अच्छा नहीं लगेगा, जॉनी हार्ट हाँ ये बहुत ही अच्छा गाना है ये तुमको पसंद आएगा। अभी वो इंसान गाना बोल रहा है, सर्जेंट बोलता है मूव ऑन चुपचाप खड़े रहो, वो इंसान बोलता है आ वेट टिल यू हेयर इट सिंग्स, और वो बोलता है कि ध्यान से सुनिएगा, देयर वॉज अ रिच फार्मर्स डॉटर लिव नियर द टाउन ऑफ रोज, शी कोटेड अ हाईलैंड सोल्जर हिज नेम ऑफ जॉनी हार्ट, सेज द मदर टू हर डॉटर आई विल गो डिस्ट्रैक्टेड मैड इफ यू मैरी दैट हाईलैंड सोल्जर ड्रेस्ड अप इन हाईलैंड प्लेड। तो यहाँ पे देखिएगा वो बोलता है कि रॉस नाम का जो गांव था वहां पर एक बहुत ही पैसे वाला फार्मर था, उसकी एक लड़की थी, वो जो जॉनी हार्ट नाम के एक पहाड़ी इलाके के जो सोल्जर था उसके पैर में पागल हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को बोलती है, उसकी माँ जो है वो अपनी लड़की को बोलती है तुम अगर उस पहाड़ पर रहने वाले उस सोल्जर से शादी कर लोगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। सो ये गाना उसने उन्हें सुनाया, तो सर्जेंट कहता है स्टॉप दैट नॉइज, ये बंद करो, मैन रैप्स ऑफ हिज बैलेड्स एंड शफल्स टुवर्ड्स स्टेप्स। उसने बंद किया और वो नीचे की तरफ जाने लगा। सर्जेंट वेयर आर यू गोइंग, अरे तुम किधर जा रहे हो, तो वो मैन बोलता है इंसान श्योर यू टोल्ड मी टू बी गोइंग एंड आई एम गोइंग, तुमने तो बोला चले जाओ इसलिए तो मैं आगे जा रहा हूँ। उसके बाद सर्जेंट वापस बोलता है डोंट बी अ फूल, तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो, आई डिडंट टेल यू टू गो दैट वे, आई टोल्ड यू टू गो बैक टू द टाउन, मैंने तुमको आगे जाने के लिए नहीं बोला पीछे गांव में जाने के लिए बोला है। उसके बाद वो इंसान कहता है बैक टू द टाउन इज इट, सच्ची में, तो सर्जन कहता है टेकिंग हिम बाय द शोल्डर एंड शोविंग हिम बिफोर हिम, तो उसने उसका कंधा पकड़ लिया और उसको अपने सामने ले लिया, हियर आई विल शो यू द वे बी ऑफ विथ यू वट आर यू स्टॉपिंग फॉर, इधर आ जाओ। और उसने उसको पकड़ लिया उस इंसान को और बोला कि तू इधर आ जाओ और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमको बताता हूँ और तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो इतनी देर से। तो वो जो इंसान है वो बोलता है हु हैज़ बिन कीपिंग हिज आई ऑन द नोटिस पॉइंट्स टू इट, तो उसके बाद उस इंसान की नज़र पूरी वो बैरल पे चिपकाए हुए नोटिस पे रहती है। आई थिंक आई नो वॉट यू आर वेटिंग फॉर सर्जेंट, तो वो बोलता है सर्जेंट मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। सर्जेंट कहता है वॉट इज दैट टू यू, ये तुमको क्या करना है। वो इंसान कहता है एंड आई नो वेल द मैन यू आर वेटिंग फॉर, मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रहे हो, आई नो हिम वेल, मैं उसको जानता हूँ, आई विल बी गोइंग, मैं अभी जाने वाला हूँ, शफल्स ऑन, और वो अभी जाने के लिए निकलता है, शफल्स यानी के आगे जाने के लिए निकलना। सर्जेंट कहता है यू नो हिम, क्या तुम्हें वो पता है, कम बैक हियर व्हाट सॉर्ट इज ही, तो वापस आ जाओ और मुझे बता। वो इंसान कहता है कम बैक इज इट सर्जेंट, क्या सच्ची में आ जाऊँ, Do you want to have me killed? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सर्जेंट कहता है Why do you say that? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो वो इंसान कहता है Never mind, कोई बात नहीं, I am going, मैं तो जाता हूँ। I wouldn't be in your shoe if the reward was 10 times as much. Goes on off stage to left, not if it was 10 times as much. तो यहाँ पर देखिएगा कि वो जो सर्जेंट है तो वो उसको बोलता है कि तुम इधर आ जाओ और मुझे बताओ कि तुमने इसको कहाँ पर देखा है। उसके बाद वो जो इंसान है उसको कहता है कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ, एंड वो उसे कहता है कि मैं तो चला जा रहा हूँ, अगर ये जो रिवॉर्ड है अगर ये 10 times भी ज़्यादा होता तरी फिर भी मैं आपकी जो जगह है वहाँ पर खड़ा नहीं होता
और वो स्टेज पे लेफ्ट साइड निकल जाता है, और 10 टाइम्स तो नहीं होगा ऐसा, यानी कि वो उसको उकसा रहा है सार्जेंट को। सार्जेंट कहता है रशिंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भागता है कम बैक हियर, और उसको बोलता है इधर आ जाओ, कम बैक, ड्रैग्स हिम बैक, और उसको पकड़ कर वापस लेके आता है। व्हाट सॉर्ट इज ही, क्या बोल रहे हो, वेयर डिड यू सी हिम, तुमने इसको देखा किधर है? तो वो इंसान कहता है आई सॉ हिम इन माई ओन प्लेस, मैंने उसको मेरे गाँव में देखा, इन द कॉन्टीक्लेयर नाम के गाँव में। आई टेल यू वुडंट लाइक बी लुकिंग एट हिम, यू वुड बी अफ्रेड टू बी इन द वन प्लेस विथ हिम, अगर तुम एक साथ उस इंसान के साथ कहीं पे अगर होगे तो तुम डर जाओगे। देयर इजंट अ वेपन ही डजंट नो द यूज ऑफ, ऐसा कोई भी एक हथियार नहीं है कि उसका इस्तेमाल वो नहीं जानता। एंड सो स्ट्रेंथ, और वो बहुत ही शक्तिशाली है, हिज मसल्स आर एज हार्ड एज दैट बोर्ड स्लैप्स बैरल, और वो बैरल पे एक हाथ मारता है और बोलता है कि उसके मसल्स तो बहुत ही पावरफुल है। साजन कहता है इज ही एज बैड एज दैट, क्या वो इतना बुरा है? तो वो इंसान कहता है ही इज देन यस। तो साजन कहता है डू यू टेल मी सो, क्या तुम मुझे और कुछ बता सकते हो? तो वो इंसान कहता है देयर वॉज अ पुअर मैन इन आर प्लेस, हमारे गाँव में एक गरीब इंसान है, अ साजन फ्रॉम बैले वैगन, इट वॉज विथ अ लंप ऑफ स्टोन ही डिड इट। उसके बाद साजन, वो जो इंसान है उसने तो उसको यही बोला कि हमारे गाँव में एक साजन था, एंड ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। साजन कहता है नेवर हर्ड ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा नाम कहीं नहीं सुना। तो वो इंसान कहता है एंड यू वुडंट साजन, और आप सुनेंगे भी नहीं, इट्स नॉट एवरीथिंग दैट हैपन्स गेट्स इन टू द पेपर, हर एक चीज़ तो पेपर में आती नहीं। एंड देयर वॉज अ पोलिस मैन इन प्लेन क्लॉथ्स टू, और कई कई पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं कि जिनके कोई पहचान भी नहीं बताई जाती। इट इज इन लैमरिक ही वॉज, इट वॉज आफ्टर द टाइम्स ऑफ द अटैक ऑन द पोलिस बैरक एट किलमालोक, मून लाइट जस्ट लाइक दिस वाटर साइड, नथिंग वॉज नोन फॉर सर्टन। और वो अभी उसको बता रहा है, वो जो इंसान है तो वो उसको बोल रहा है कि मेरे गांव में क्लोरी काउंट में मैंने उसको देखा था, और वो ऐसा इंसान है। और जो पुलिस वाली की बात वो उसको बताता है कि वो कहता है कि वो एक सादा पुलिस वाला था, एंड वो लाइमब्रिक गांव में रहता था। किमलॉक के यहाँ पर उसने क्या किया था, वहाँ के हमले में वो ये बात हुई थी, ऐसी ही मूनलाइट थी, अभी जो है इस तरह से ही सी साइड था, और जो कुछ भी हुआ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इस तरह से उसने उसको बोला। तो साजन कहता है डू यू से सो, इट्स अ टेरिबल काउंटी टू बी बिलोंग टू। तो वो उसको कहता है सच्ची में क्या ये इतना डेंजर गांव है? वो इंसान कहता है दैट सो इंडीड, यस ऑफ कोर्स यू माइट बी स्टैंडिंग देयर, तुम तो यहीं पे खड़े हो, लुकिंग आउट दैट वे थिंकिंग यू सॉ हिम कमिंग अप दिस साइड ऑफ द क्वी, एंड ही माइट बी कमिंग अप दिस अदर साइड, एंड ही वुड बी ऑन यू बिफोर यू न्यू वेयर यू वर। और वो पुलिस वाले को घबरा रहा है कि शायद वो उस दूसरी तरफ से आ जाए, तुम इधर हो जाओ और एक साथ और आपका आमना सामना भी हो जाए। तो साजन कहता है इट्स अ होल ट्रूप ऑफ पुलिस दे आउट टू पुट हियर टू स्टॉप अ मैन लाइक दैट, इसलिए तो हमने ये सब किया है, यहाँ पर नोटिस चिपकाए कि हम उसको पकड़ सके। तो वो मैन कहता है इंसान बट इफ यू वुड लाइक मी टू स्टॉप विथ यू, आई कुड बी लुकिंग डाउन दिस साइड, आई कुड बी सिटिंग अप हियर ऑन दिस बैरल, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठूँ तो मुझे यहीं पे बैठना है स्टेप्स पे, एंड सॉरी आई कुड बी सिटिंग अप हियर ऑन दिस बैरल, और मुझको बैरल के ऊपर बैठ के आपसे बात करनी है। द मैन एंड दी सार्जेंट नीड ईच अदर सपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए बैरक का मतलब है पुलिस अकोमोडेशन, यानी कि पुलिस की जो व्यवस्था होती है। सो इस तरह से अभी दोनों में कोई बातचीत शुरुआत हुई है, आगे जाके हम देखेंगे कि सच्ची में वो इंसान कौन है, क्या वही भागा हुआ कैदी है, क्या वो साजेंट उसको पकड़ लेगा, क्या साजेंट उसको छोड़ देगा। सो वॉट विल बी देयर नेक्स्ट पार्ट में हम लर्न करेंगे, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।